माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा'स फूड कॉर्नर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको हैप्पी मकर संक्रांति, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनाने वाले हैं, जिसका नाम है बादाम पाकिज़ा। और ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बन जाएगी और सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगेंगे इसे बनाने में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और मैंने जैसे बताया आपको, सिर्फ 6 से 7 मिनट के अंदर ही बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही यम्मी है। तो आप इसे इस बार संक्रांति हो या फिर ईद या फिर दिवाली, उस पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर मैंने मिठाई बनाने के लिए 1 मेजरिंग कप भर के बादाम ले ली है। बादाम बहुत ही हेल्दी होती हैं, विटामिन ई से भरपूर ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसको मैं एक मिक्सर में लेकर अच्छे से एकदम फाइन पाउडर इसका बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मेजरिंग कप से ही 1 कप जो है शक्कर ले ली है और 1/2 कप मेजरिंग कप से मैंने पानी ले लिया है। आप कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं। अब इसकी हमें एक चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी सी बनानी है। ये हमारे चाशनी में जो है बॉयल आ चुका है, फ्लेम को हमें हाई ही रखना है और बीच बीच में हल्का सा इसे चलाते हुए गाढ़ी सी इसकी चाशनी बनाना है। ये 3 मिनट के अंदर ही लगभग हमारी चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस की डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से इलायची पाउडर या फिर केसर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे चाशनी को मैं चेक करूँगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा तार आ रहा है। हमें बहुत ज़्यादा एकदम तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस इसी तरह से हल्की सी गाढ़ी चाशनी चाहिए हमें। अब हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और जो हमारा बादाम का पाउडर है पिसा हुआ वो हम इसमें पूरा डाल लेंगे और इसे लो फ्लेम पे ही पहले अच्छे से चाशनी को और बादाम पाउडर को मिक्स कर देंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा इसको हम मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं करीब 3 टेबल स्पून भर के शुद्ध घी डाल रही हूँ और अब हम फ्लेम को मीडियम करके अच्छे से इसे चलाते हुए पकाएंगे और ये हमारा जो मिश्रण है वो 3 से 4 मिनट के अंदर ही बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। जब एक बार ये थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो फ्लेम को थोड़ा वापस से लो करके हम और इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देख सकते हैं हमारा मिश्रण बिल्कुल रेडी हो गया है 3 से 4 मिनट के अंदर। अब इसे हम हल्का सा पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम फिर इसे जिस भी हमें मोल्ड में या इसमें जमाना हो सांचे में उसमें हम डालेंगे। यहाँ पे मैं एक डिब्बा ले रही हूँ स्क्वायर शेप का और एक पॉलीथीन ले रही हूँ, आप बटन पेपर भी ले सकते हैं। और इस पर मैं शुद्ध घी अच्छे से लगा दे रही हूँ और जो हमारा डिब्बा है जिसमें हम मिठाई सेट करेंगे वो मैं अब इसके ऊपर लगा दूंगी पॉलीथीन। और उसके बाद जो हमारा मिश्रण हल्का सा ठंडा हो चुका है उसको हमें पूरा इस मोल्ड में अच्छे से डाल दूंगी और अच्छे से इसको किसी चम्मच की मदद से फिर इवन अच्छे स्प्रेड कर दूंगी पूरे डिब्बे में। और इसे फिर हम 1/2 से 1.25 घंटे के लिए ढक के हल्का सा रूम टेम्परेचर पर ही रख देंगे, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है तो ये बाहर ही सेट हो जाएगी। अगर गर्मी के दिन है तो आप इसे फ्रिज में भी थोड़ी देर रख सकते हैं। अभी हमारी मिठाई आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से सेट हो चुकी है। इसे अब हम धीरे से निकाल लेंगे डिब्बे से बाहर और इसकी पॉलीथीन को हटा देंगे हम। ये देखिए हमारी मिठाई कितनी बढ़िया सेट हुई है। अब इसे मैं एक किसी प्लेट में निकाल लूँगी और यहाँ पे मैं सिल्वर फॉइल इस पे लगा रही हूँ। ये वैसे ऑप्शनल है लेकिन अगर आपके पास हो तो आप इसे ज़रूर लगाइए, इससे हमारी मिठाई बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी। अब इसको मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ मिठाई को, आपके जो भी पसंद का शेप हो उसमें आप इसे कट कर सकते हैं। इसे पहले ऊपर ऊपर से मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और फिर अच्छे से ध्यान से इसे कट कर लूँगी। ये देख सकते हैं हमारे पीस कितने बढ़िया निकले हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड, और सिर्फ 6 से 7 मिनट के अंदर ही बन जाती है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये हमने रेडी की है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ध्यान रखिए और त्योहारों पे और हमेशा साल भर ही गरीबों का भी प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। अपनी हैसियत के हिसाब से उनकी भी मदद ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।